हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर जीन्स पैंट आप छोटा करना चाहते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। ठीक है, तो जैसे इसका लंबाई है 36 इंची, तो सेम टू सेम 36 इंची के ऊपर मार्क लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आप देख लीजिए ये 36 इंची इसका लंबाई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 36 इंची के ऊपर ही आपको मार्क लगाना है। अगर मोहरी सेम लगानी है तो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मोहरी सेम टू सेम लगाना है, तो ये 36 इंची लंबाई है तो 36 इंची के ऊपर आपको निशान लगाना है, इसमें मार्जिन नहीं देना है। और इसको अच्छी तरीके से नाप लेना है, ये 36 इंची हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो मार्क है ना उसी के ऊपर आपको कटिंग करना है। ठीक है, इसमें हाफ इंची नीचे, हाफ इंची दबाव छोड़ करके, एक इंची दबाव छोड़ करके आपको नहीं काटना है। सेम टू सेम 36 है तो 36 के ऊपर ही आपको कटिंग कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद में यहाँ से हाफ इंची छोड़ करके और मार्जिन कटिंग कर लेना है। ठीक है, इसको भी हाफ इंची छोड़ करके और कटिंग करना है। तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, स्मार्ट फैशन स्टिच में। तो मेरे चैनल में आप सब कटिंग और स्टिचिंग दोनों देख सकते हैं। अब इसको है ना दोस्तों इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊँगा इसका पिन लगा करके। तो यहाँ से आपने क्या करना है, जो सिलाई लगाए हैं सिलाई के साइड में हाफ इंची इसलिए मार्जिन छोड़ते हैं ताकि आपका जो सिलाई लेकर के पूरा हो सके इस तरीके से। और उसके बाद में इसको पलटा देना है। और ये जो सिलाई लगाए हैं पीला वाला, इसके साथ साथ ही सिलाई करना। जैसे ये देखिए पिन मैं लगा रहा हूँ, पिन के साथ साथ ही, और बाद में इसको भरलॉक कर देना है। अब इसको पलटाएंगे तो ये एकदम आसान तरीका से बनते हैं। और ये जो सेम सेम लगाना होता है तो काफ़ी आदमी को समझ में नहीं आता है कि इसमें मार्जिन ज़्यादा दे कम दे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल तरीके से हो जाएगा और इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। देखिए यहाँ से इस तरह की सिलाई लगा करके, और उसके बाद में आपने क्या करना है कि नीचे वाला में ओवरलॉक कर देना है और ये आपका रेडी हो जाएगा यहाँ से। और इसका जो जॉइंट है, जॉइंट भी लगा लीजिएगा, जॉइंट भी इसका दिखना चाहिए। और पूरा अच्छी तरीके से इसको बैठा करके फिर आपको सिलाई लगाना है। तो वीडियो कैसा लगा आप सब लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय दोस्तों।